दोस्तों, डॉलर रुपी स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 30 अगस्त, अभी सुबह का 11:11 हुआ है। डॉलर रुपी अभी 82.7374 लेवल्स में ट्रेड हो रहा है। डिटेल्स में देखने के लिए चार्ट में आते हैं। सो डॉलर रुपी स्पॉट अभी यहाँ पे है, मॉर्निंग से अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है, थोड़ा सा डिमांड है मार्केट में, बिकॉज ऑफ व्हिच थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ मॉर्निंग 82.60 लेवल से 82.75 के आसपास चला आया है। दिस इज एज पर द स्पॉट चार्ट। अभी आते हैं करेंसी फ्यूचर चार्ट में, जो सितंबर का एनालिसिस है। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 82.8425। मॉर्निंग में इट ओपन एट 82.7925, ट्रेडेड लो ऑफ 82.70 एंड देन रिकवर्ड बैक फ्रॉम द डेज लो। देयर बाय एज ऑफ नाउ द कैंडल इज लुकिंग लाइक ए हैमर, लेकिन द लोकेशन बराबर नहीं है। एनीवे अभी भी मार्केट क्लोज होने में काफी टाइम बाकी है। लेट द मार्केट टू क्लोज। सो यहाँ पे देखने वाला बात क्या क्या है। पहला है आपका RSI डेली एट 54.55, सो 60 लेवल्स में एक रेजिस्टेंस आ सकते हैं। अगर हम डेली आवरली RSI को देखेंगे तो इट इज अबव 60 एट 68.60 लेवल्स, और 30 मिनट्स में आएंगे तो ये भी RSI अबव 60 है एट 75.91 लेवल्स। सो 30 मिनट्स इज अबव 60 RSI, व्हेयर इज द डेली चार्ट इज एट 56 अप्रोचिंग 60, सो 60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अभी जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, पहला रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है आपका 82.89 से 82.90 इन सितंबर फ्यूचर, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकते हैं। एंड दूसरा रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो है आपका 83.04 से 83.05। क्यों? यहाँ पे प्रोबेबल रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो, इसी लेवल से एक शार्प सेल ऑफ आया था एंड इस लेवल से भी एक शार्प सेल आया था। सो दिस लेवल्स ऊपर में भी है, ये वाला लेवल 82.10 देन 82.20, बट इमीडिएटली दीज आर द टू प्रोबेबल एरियाज जहां पे प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। नीचे के तरफ सपोर्ट जो हो सकता है वो है आपका पहला जो 82.7071, जो पहले आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस था, अभी इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। दैट बीइंग द केस, अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे क्या सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या यहाँ पे जब आता है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। दैट बीइंग द केस, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो है 82.7071 एज फार एज द सेप्टेम्बर फ्यूचर इज कंसर्न। उसके बाद का जो हमारा प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है, जहां से मार्केट स्विंग लिया था, दैट इज योर 82.58, 82.60। सो थोड़ा सा कलर ग्रीन कर देते हैं और इसको भी कलर ग्रीन कर देते हैं, तो एक्ट एज टू शो दैट दीज आर द प्रोबेबल सपोर्ट्स। इसको रेड कर देते हैं टू शो दैट इट इज ए प्रोबेबल रेजिस्टेंस। आई रिपीट, प्रोबेबल। क्यों? बिकॉज सपोर्ट तभी सपोर्ट होगा जब प्राइस वहां पे रेस्पेक्ट। सिमिलरली रेजिस्टेंस तभी रेजिस्टेंस होगा जब वहां पे रेस्पेक्ट करेगा, यानी प्राइस जब यहाँ पे इस लेवल पे आएगा, क्या रेस्पेक्ट करके नीचे आएगा?
या इसको तोड़ के ऊपर के तरफ चला जाएगा। अगर तोड़ के ऊपर के तरफ चला जाता है देन दे आर निगेटिंग द सपोर्ट, दैट मींस इसको रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर प्रोबेबल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस अगर उस लेवल पे प्राइस आके सलाम ढूंढता है। कहने का मतलब रेस्पेक्ट। तो अभी हमारे पास दो सपोर्ट्स एंड दो रेजिस्टेंस लेवल्स आ चुके हैं एज फार एज द 30 मिनट प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड। यहाँ पे प्राइस क्या किया, स्टार्टिंग में एक हैमर बनाया हुआ है, लेकिन उसका लोकेशन ऑन द हाफ वे मिड वे एंड उसके हाई के ऊपर प्राइस चला जा रहा है। ये जो हैमर है इसका लो इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी। तो रेड इन कलर हैमर बट इट इज बुलिश इन नेचर क्योंकि प्राइस लोअर लेवल पे रिजेक्ट होके ऊपर में जाके क्लोज देयर। सो डेस्पाइट रेड इन कलर ये जो पहला 30 मिनट का कैंडल है इट इज कंसीडर्ड एज बुलिश इन नेचर। दो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी एक स्मॉल बॉडी रेड कैंडल ऑलरेडी कंप्लीटेड हुआ है एंड द सेकेंड रेड कैंडल इज अंडर वे। प्राइस सेक्शन में अभी हमें क्या देखना चाहिए, हमें अभी एक छोटा ग्रीन कैंडल चाहिए, चाहे वो डोजी हो चाहे वो स्मॉल बॉडी कैंडल हो, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल चाहिए एंड उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये इसको रेड ही रहने देते हैं, इसको ना स्टॉप लॉस को ब्लैक कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिड्यूस किया, अभी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा लेवल पे आएगा तो हम इजीली शॉर्ट कर सकते। अभी जो करंट कैंडल है अभी अभी रेड कैंडल था तो नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू अ ग्रीन कैंडल। अभी भी टाइम 12 मिनट बाकी है क्योंकि ये 30 मिनट्स का कैंडल है। बाय 11:30 अगर ये स्टेप का एक छोटा ग्रीन कैंडल बन जाता है उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते एंड अभी का जो स्विंग हाई है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3 हम टारगेट कर सकते हैं, यानी 2 पैसा का लॉस है तो वी विल लुक फॉर 4 पैसा का प्रॉफिट एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मार्केट कि क्या हम सोच रहे हैं। ये हो गया 30 मिनट्स। अभी आते हैं आपका 5 मिनट के प्राइस सेक्शन। प्राइस जो 5 मिनट का है वो अभी RSI 60 के सामने सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस दिस इज नॉट अ गुड बाइंग लेवल। ये जो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है प्राइस एक रेंज बना हुआ है, ये रेंज इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल। इस रेंज के लो के नीचे सेल, रेंज के हाई के ऊपर एक कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते। दैट मींस हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू लिया है, ना ही सेलिंग व्यू लेके आए हैं ना ही बाइंग व्यू लेके आए हैं कि यहाँ पे आया और धराधर जाके ट्रेड पांच कर दिया। नो, प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास। इसके लिए हमें अभी इंतजार रहेगा। RSI अगर बिलो 60 5 मिनट के प्राइस में चला आता है तो उसके बाद क्या यहाँ पे प्राइस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है, कौन सा टाइम फ्रेम पे, आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या ये करता है हमें देखना पड़ेगा। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड। सो एज ऑफ नाउ वेटिंग फॉर द ट्रेड कॉल। हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को एनालाइज किया 30 मिनट्स। ऑलवेज रिमेम्बर जब आप ट्रेड करोगे you should have minimum 2 time frames, एक trend identification time frame और दूसरा वाला है trade identification time frame। trend identification यानी higher time frame
इन दिस केस इट्स ए 30 मिनट टाइम फ्रेम जिसमें हम ट्रेंड डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एज ऑफ नाउ ट्रेंड क्या है? आप ट्रेंड में हम में इंतजार है एक नेगेटिव कैंडल का, इस ये एक ब्लू ग्रीन कैंडल का स्मॉल बॉडी हो या डोजी हो, जो भी हो, अगर फॉर्म हो जाते हैं उसके लो के नीचे हम सेल करने के लिए तैयार है, क्योंकि अंडर दैट कंडीशन मार्केट विल से अभी मैं एम पैटर्न बना रहा हूँ, सेलिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये हो गया 30 मिनट्स में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। 5 मिनट में हम यहाँ पे एक रेंज मिला है, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बार रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट होता है उसके बाद सोचेंगे, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड। हमारा कॉन्विक्शन मीन्स, अगर मान लेते हैं कि सेलिंग साइड में थोड़ा ज्यादा कॉन्विक्शन है, बाइंग साइड में एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कम कॉन्विक्शन है। उसका कारण क्या है? इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है आपका 82.89 लेवल। सो ऊपर में ज्यादा रूम दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा रूम है। कहाँ तक है? ये जो पहला है इसके लो के नीचे 82.74, उसके बाद आज का जो लो है उसके लो को मे बी द सेकेंड टारगेट। ये हो गया फ्यूचर का प्राइस एक्शन। अभी आते हैं ऑप्शन राइटिंग। लास्ट कल हमने जो डिसाइड किया था, हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि स्पॉट जो है, जो करेंटली 82.75 है, ये 83 के ऊपर बाय फ्राइडे यानी डे आफ्टर टुमारो नहीं जाना चाहिए एंड 82.25 के नीचे जाना नहीं चाहिए। दैट बीइंग द केस हमने वहां पे एक स्ट्रेंगल बनाया। स्ट्रेंगल क्या है? कोई ऑप्शन के नाम मींस ऑप्शन ट्रेडिंग फील्ड में काफी कुछ नोमेनक्लेचर्स है, स्ट्रेंगल है, स्ट्रेडल है, बटरफ्लाई है, बहुत सारी। तो स्ट्रेंगल क्या है? जब हम ऊपर का भी बेचते हैं कॉल को और नीचे का भी कॉल को बेचते हैं, हो गया आपका स्ट्रेंगल सेलिंग। और स्ट्रेडल क्या होता है? सेम स्ट्राइक प्राइस में, अगर स्ट्रेडल सेलिंग बोले तो सेम स्ट्राइक प्राइस में सपोज 82.75 का कॉल को भी शॉर्ट किया और 82.75 का पुट को भी शॉर्ट किया, दैट इट बिकम्स स्ट्रेडल। स्ट्रेंगल कब करना है, स्ट्रेडल कब करना है, सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन, सब्जेक्ट टू वॉलिटिलिटी, आपको डिसाइड करना है। सो हर एक सिस्टम का, हर एक स्ट्रेटेजी का अपना अपना फ्लेवर होते हैं। जैसे आप देखोगे गर्मियों के मौसम में लंच करने के बाद आम खाने का, पके हुए आम खाने का मन करता है, क्योंकि वो गर्मी के मौसम में आम बहुत बढ़िया चीज। सिमिलरली आपका सर्दियों के सीजन में लंच खाने के बाद आपको और कुछ मन करता होगा, क्यों? आपको उस टाइम में ना ही आम मिलते हैं खाने के लिए, उस टाइम में दूसरा कुछ मिलता है, चाहे वो रसगुल्ले हो, राबड़ी हो, पेस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, जो बेसिकली मीठा खाने के शौकीन है लंच डिनर खाने के बाद। तो क्या कहना चाहता हूं, हर एक सीजन का एक एक फ्लेवर होता है। सिमिलरली स्ट्रेंगल सीजन का एक फ्लेवर होता है, स्ट्रेडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का अलग सीजन होता है, यानी मार्केट कॉन्टेक्स्ट होता है। नेकेड सेल करना, आइदर कॉल को शॉर्ट करना या नेकेड पुट को शॉर्ट करना, उसका कंडीशंस या सिनेरियो अलग होता है। बिफोर ट्रेडिंग एनी स्ट्रेटेजी आपको ये समझना है कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है। क्या ये मैंगो का मौसम है, क्या ये संतरे का मौसम है, क्या ये अंगूर का मौसम है, या क्या ये जैकफ्रूट का मौसम है, क्या ये लीची का मौसम, एंड अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड सेटअप डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया था कि 83 का कॉल को वो शॉर्ट करना है एंड 82.25 के पुट को शॉर्ट करना है। आज जो वेंसडे हम आज के डेट में खड़े हुए हैं, परसों यानी फ्राइडे को 1 सितंबर जो वीकली एक्सपायरी है, यानी हाथ में मेनली 1.5 डेज है। क्यों? आज का आधा दिन बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है, परसों फ्राइडे के दिन 11:30 to 12:30 में एक्सपायरी हो जाए। यानी हमें डेढ़ दिन से 2 दिन का एक डॉलर रुपए का व्यू लेना है।
दैट बीइंग द केस आप देखोगे 82.25 का जो लेवल है वो सेफ हो गया है, अभी 82.75 है। तो क्या 82.50 इज सेफ? लिटिल बिट लग रहा है अभी 82.50 इज ए सेफर लेवल। दैट बीइंग द केस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 82.25 का पुट को हम रेस कर सकते हैं। रेस करके कहाँ पे लेके जाना है, हमें इसको थोड़ा अपग्रेड करना है फ्रॉम 82.25 टू 82.50, ठीक है, एंड 83 हमें अभी प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है, क्योंकि ऑल्दो आज के दिन में मार्केट काफी बुलिश लग रहा है, मॉर्निंग से काफी 15-16 पैसे का अप मूव है, क्या 2 दिन के बाद फ्राइडे को ये 83 को चैलेंज करेगा, ये 83 के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर हमें देखना है। सो अर्लियर जो 83 का कॉल एंड 82 क्वार्टर का जो पुट था उसको अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं 82.50 का पुट एंड 83 का कॉल। सो वही हम यहाँ पे किए हुए हैं। अब देखोगे 83, ये आपका 83 का कॉल जो हमारा 300 लॉट्स शॉर्ट है, इसको ऐड नहीं किया, अभी भी ये M2M लॉस में है, करीबन 2,250 रुपए का M2M लॉस। उसको मार्जिन बेनिफिट के लिए हमने क्या किया, 83.50 का कॉल को बाई कर लिया टू गेट द मार्जिन बेनिफिट, और उसके बाद हमारा 82 क्वार्टर का बस। एक्चुअली मेरा आईज का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो इसीलिए देखने में थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है। एनीवे मैंने नीचे में कर दिया 82 क्वार्टर, ये है 82 क्वार्टर का जो अभी है 0.50, 0.50 यानी क्वार्टर पैसा एंड हाफ पैसा। तो मैंने क्या किया, कल मेरा 100 क्वांटिटी शॉर्ट था 82 क्वार्टर, जो मैंने स्क्वायर करके अभी 82 हाफ में शॉर्ट, 82 हाफ में 1 पैसे में शॉर्ट किया, रेंज शिफ्ट किया। सो मेरा अभी क्या पोजीशंस चल रहा है, अभी मेरा पोजीशंस चल रहा है 83 का शॉर्ट 300 क्वांटिटी एंड 82 हाफ का पुट 100। क्वांटिटी ज्यादा नहीं किया है क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शंस अभी भी कॉन्फिडेंट एनफ नहीं हूं कि एक लेवल में पूरा का पूरा पोजीशन शॉर्ट, इसीलिए छोटा पोजीशंस लिया है, क्लैरिटी आने देते हैं उसके बाद। सो एज ऑफ नाउ हमने रेंज जो है डॉलर रुपए का उसको शिफ्ट किया है 82.50 82 क्वार्टर के जगह पे, और 83 को इंटेक्ट रखा है, एंड प्राइस एक्शन को हम यहाँ पे मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम 30 मिनट्स में ग्रीन कैंडल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये कुछ बड़ा ही ग्रीन कैंडल बन चुका है, ठीक है, प्राइस एक्शंस है, प्राइस एक्शंस को हमें देखते हैं। और इन द मीन टाइम ये जो रेंज है इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, दैट बीइंग द केस अभी हमारा 82.90 के आसपास, 82.89 से 90 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें प्राइस एक्शन जरूरी है, जो प्राइस एक्शन हमें बोलेगा कि यस अभी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर्स में कुछ पोजीशंस लिया नहीं है, जस्ट प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व। सो डॉलर रुपी के स्पेशल एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। बाय द वे मेरे कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि ऑडियो का इश्यूज है, उसके लिए कल ही मैंने अमेजोन से एक माइक का ऑर्डर किया है, मीन्स वायरलेस माइक का, जो 31 अगस्त को डिलीवरी होने वाला है। आई होप मंडे ऑनवर्ड्स, सॉरी 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, अगर वो कल डिलीवरी हो जाता है तो फ्राइडे से उस नए माइक के साथ मेरा जो ऑडियो क्वालिटी होगा और भी बेटर हो सकता है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।